कदमा शास्त्री नगर हिंसा मामले में जेल में बंद अधिवक्ता चंदन चौबे समेत 8 लोगों को बुधवार को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद आप वीडियो में देख सकते हैं कि गुरुवार की शाम को यह सभी घागीडी सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। इसके साथ ही आपको बताते चले कि शास्त्री नगर मामले में आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह, सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, संदीप पांडे व अन्य की जमानत को लेकर बचाव पक्ष की ओर से ADJ 2 की कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने अभय सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली तिथि 22 मई तय की है। इस वीडियो में देखिए कि अधिवक्ता चंदन चौबे ने रिहाई के बाद क्या कहा है। पहले तो सबको नमस्कार, मैं अधिवक्ता चंदन चौबे। प्रशासन से गलती कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी हुई है, लेकिन ठीक है, अब जो है एक्सेप्ट करना है उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन एक्चुअल में जहां से स्टार्ट हुआ था, जिस पोल पे मांग्स बांधा गया था, वो मुद्दा तो छुप ही गया, लेकिन इसमें निर्दोष बहुत सारे लोग फंस गए। बहुत से निर्दोष फंसे हैं इसमें। बहुत से लोगों को घर से उठाया गया, कुछ लोग जो हैं घर से इनके उठाया गया है। कुछ एक दो लड़के ऐसे हैं जो वहाँ पे अपना ठेला लगा के जीवन यापन करते हैं, जैसे शंभू प्रमाणिक और सूरज छत्री। इतने दिनों में वहाँ अंदर साथ में रहा, चूँकि अधिवक्ता हूँ, सारे लोगों से अच्छा समझता हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सबको जाना। जितने लोग अंदर आए हैं, लगभग हमारे हिंदू पक्ष से सारे निर्दोष लोग अंदर आए हैं। जो मुख्य कल्पित हैं अभी भी नहीं पकड़ा है। FIR की कॉपी मैंने देखी थी, शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, उसमें सीधे लिखा हुआ था कि शिव जटाधारी शिव मंदिर के पास 200 लोग खड़े हैं और 1000 लोग मस्जिद वाली गली से आ रहे हैं डंडा पत्थर और तलवार लेकर हमला करने के लिए, और पुलिस बल पे हमला किया और DSP पे भी हमला किया हेडक्वार्टर 2। इस सारे प्रकरण में अगर पूर्ण रूपेण किसी को अगर दोष दिया जाएगा तो DSP हेडक्वार्टर 2 कमल किशोर जी का है। बात बाकी SSP साहब, मेरे हिसाब से SSP साहब की कोई गलती नहीं है। सर, अधिवक्ता के नाते आप क्या बताना चाहेंगे जिला प्रशासन को, एक जो इस तरह से मामले को लेकर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें गलती हुई हैं। मैं अधिवक्ता हूँ, अब तो डायरी मैंने देखी नहीं है, डायरी पे भी बहुत सारा चीज़ निर्भर करता है। FIR की कॉपी मुझे प्राप्त हुई थी, उससे पता चला बहुत से नामजद हैं, बहुत से नामजद नहीं हैं। इस पूरे प्रकरण में SSP साहब के मतलब एकदम क्लियर रहा कि जो लोग 8 लोग गए हैं वो क्लियर हुए। और साहब, अगर मेरी एक प्रार्थना रहेगी प्रभात सर से, उनसे आज से नहीं हमारा परिचय है, जब वो CT SP और ग्रामीण SSP भी रहे, मेरी निजी परिचय है उनसे और एक अच्छा मित्रवत संबंध है उनसे, कभी उनके हाथ से गलत नहीं हुआ। शायद इसीलिए उन्होंने इन लोगों को निकाला है, और आशा ये करते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं उनको भी वो अपने हिसाब से निकालेंगे, सारे लोगों को वो निकालेंगे। क्योंकि अगर एक पर्सन कोई बोला जाएगा वहाँ खड़े होकर सही से निर्णय ले रहा है अभी, उस प्रकरण के बाद तो SSP साहब ने लिया। अंदर में ये भी पता चला है कि वो जब गए थे तो वहाँ पे सारे लोगों को हटा रहे थे, मामला को शांत करा रहे थे। बात बाकी उनके नीचे के जितने पदाधिकारी हैं उनसे बहुत सारी गलतियां हुई। ठीक है, अब नमस्ते। क्या बताना चाहेंगे सर इस घटना को लेकर? इस घटना को लेकर देखिए, विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता हैं और अन्य सभी जितने भी लोग अंदर हैं आज, सब हिंदू योद्धा के रूप में हैं। और ये सब देखिए, जब तक समाज है 19-20 आगे पीछे चलता रहता है, और हम लोग हमेशा धर्म के लिए समर्पित हैं, तो हम लोग आगे भी सब के लिए तैयार रहेंगे। जहाँ भी धर्म के नाते हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा, हम लोग खड़े होंगे, धर्म के लिए बोलेंगे। बाकी लोगों को जो अभी अंदर हैं, उनके लिए भी प्रक्रिया में है, ये तो कानून सम्मत है कि नहीं, विधि सम्मत है, जो भी होगी। ये तो 22 का उनका डेट मिला है और देखा जाएगा। 22 को सुनवाई है, जैसा होगा वो तो कोर्ट से क्लियर होना है। ठीक है, धन्यवाद।